ये भाई अपना कूलर, और इसके अंदर हॉर्न तो बजता ही नहीं है, और भाई लैटे शैटे इसके अंदर जबरदस्त लगा रखी है। ये भाई क्या ही बात है, बंदा भी बैंस भाई, बंदा भी बहुत ही कैट जा आया ऊपर देखो। आला भाई सिद्धू बाजी आ गए भाई, सिद्धू बाजी नहीं आते तो मजा नहीं आता। सिद्धू बाजी कहते मैं के पीछे हटा, लो भाई सिद्धू बाजी ने भाई 164,065,000 प्याज काट दिए। तो लो भाई कॉटन लग गई है और अपना ऑनियन भी कट चुका है, और भाई प्लांटर मैं वापस लाया हूँ, और ये 5 ट्रॉली भाई किराए पे ली है, और देखो भाई कूलर के साथ गोल्डन और गोल्डन टायर। पीछे अभी धो के लाया था कूलर को, और देखो भाई कितना गंदा मचा दी कूलर, देखो कितना गंदा हो गया। लो भाई ट्रॉली की मैंने स्पीड कर दी थी तेज, अब एक ट्रॉली 20 लाख की जा रही है अपनी प्याज की, देखते हैं कितना मिलने वाला है हमें पैसा। और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आप सभी का स्वागत है ट्रक गेमर्स चैनल के अंदर, और भाई ये है फार्मिंग सिमुलेटर 19 गेम, यानी कि FS19। तो भाई आज खेलने वाले हम इसको, और पिछली बार मैंने इसमें फसलें काट के भेजी थी, कौन सी भाई, इसके अंदर मैंने प्याज लगाए थे लेकिन मैंने काटे नहीं थे, और दूसरी फसल मैंने काटी थी, कौन सी काटी थी बताओ मुझे कमेंट करके। तो चलो मैं आपको देखता हूँ कि आप मेरे वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो। तो भाई आज हमें काटनी है अपने प्याज, बहुत सारे हैं, और भाई 200 एकड़ प्याज, तो चलते हैं उस खेत पे। और भाई अपना खेत है 42 नंबर, और पिछली बार मैंने 37 और 39 नंबर से काटा था, क्या काटा था भाई बताओ? भाई सनफ्लावर काटा था, तो सनफ्लावर काट के बेची थी। तो ये है भाई, अब मैंने 4 यहाँ पर हार्वेस्टर लगा दिए पहले ही, तो खोल खोल के भाई तैयार कर दिए, और ये चला भाई अपना पहला हार्वेस्टर, तो उतर जाते हैं इससे। लो भाई आ गया अपना बंदा बाहर, और भाई ये है 200 किले ज़मीन अपनी, 200 एकड़ का खेत, देखो भाई 209, और इसके अंदर जो प्याज लगा है भाई वो है 188। और अब चलते भाई भाग के दूसरे के अंदर फटाफट से, अभी नहीं इसके अंदर नहीं जाएंगे, अभी पहले उसको जाने देंगे, और भाई इसको जरा सेटिंग इसको कर लेंगे ऐसे, ताकि पता लग जाए कि हार्वेस्टर अपना कहाँ जा रहा है। हर्षित भाई आया अपना, और दूसरा ये भी सेट है, यहाँ पे लगाते हैं एक और दूसरा हेल्पर। तो आज भाई मुझे फसल भी लगानी है, और भाई एक भाई का कमेंट आया था कि वो कह रहा था कि आप लगाओ यहाँ पे कॉटन, तो कह रहा हमने कॉटन देखनी है, तो चलो कॉटन लगाते हैं आज। तो ये अब अपना तीसरा, और भाई आज मैंने कलर इसका लिया है ऑरेंज मेटेलिक, भाई मेटेलिक चमक रहा है इतना यार, धांसू लग रहा बहुत ही। ये चल पड़ा भाई अपना तीसरा हार्वेस्टर, और हम चलते हैं इधर किधर, इधर इधर देखते हैं भाई श्याम हर्षित साहिल। अरे यार आज भाई अपने भाई दूजे बंदे नहीं, जेड़े अपने पंजाबी बंदे नहीं आए भाई आज, लवली भाजी या कोई और, या भाई सिद्धू भाजी कोई भी नहीं आया। चलो भाई इसको करते हैं नीचे, तो थोड़ा सा हम काटते हैं खुद ही ये, लो भाई तो देखते हैं आज टोटल प्याज कितना मिलने वाला है, और पिछली बार सनफ्लावर बेच के भाई कितना फ़ायदा हुआ था, अभी देखते हैं। और ये भाई अपने प्याज मैं खुद काट रहा हूँ थोड़ी सी, तो आज स्टेयरिंग व्हील नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि इस गेम में यार स्टेयरिंग व्हील का कोई मज़ा नहीं आता है, मतलब इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं है स्टेयरिंग का, तो इसलिए मैं आज कीबोर्ड से खेल रहा हूँ। और आज मैंने ऊपर से भाई अपना वेब कैमरा भी हटाया हुआ है, तो चलो यहाँ भी लगाते हैं हेल्पर। ओ ये क्या हुआ भाई, हेल्पर ने मना क्यों कर दिया, मना नहीं कर रहा पता नहीं। तो पिछली बार एक मिनट, सनफ्लावर बेच के कितने पैसे मिले थे भाई अपन को, $1.6 मिलियन मिला था, ठीक है, और दूध बेचा था मैंने पिछली बार काफ़ी दिन बाद, जब से मतलब कनाडा के अंदर आया हूँ मैं, तो मैंने दूध पहली बार बेचा था, और पिछली बार हमें 12 मिलियन का फ़ायदा हुआ था भाई। आज हमें प्याज से कितना फ़ायदा होने वाला देखते हैं। तो एक मिनट, इस भाई को भाई इसको लगाना है, देखो ये आएगा सिद्धू, आ ला भाई सिद्धू बाजी आ गए भाई, सिद्धू बाजी नहीं आते तो मज़ा नहीं आता, सिद्धू संधू बाजी आ गए, और हूँ देखो खेत कितना कटता। तो इसको लगाना है भाई हमें, देखो इसको लेफ्ट में लगाना है, ताकि ये उस तरफ ना जाए, सिद्धू बाजी को डिस्टर्ब करेगा, सिद्धू बाजी ने डिस्टर्ब किया था ठोक देने के फड़ के, सही दस रहे। चल भाई चल, ये अब देखते हैं भाई अपने आप ही समझदार है, या उधर जाएगा या लेफ्ट को जाएगा या राइट को जाएगा, मेरे हिसाब से लेफ्ट को जाना चाहिए, देखते हैं ये। अरे नहीं यार ये तो गड़बड़ कर दी भाई, ये हेल्पर गड़बड़ कर दी, इसको हटाते हैं यार, इसको इधर लगाते हैं, नहीं तो भाई दोनों हेल्पर फंस जाएंगे, फ़ायदा क्या होगा, आपस में टकराव हो जाएगा। और भाई एक लाइन में मिल चुका है हमें, ओ भाई 2,11,000 प्याज, भाई मज़े ही आ गया, अब तो बहुत मज़ा आने वाला है आज, मतलब प्याज हमें मिलने वाला है, तो यानी कि 4 चक्कर के अंदर भाई 8-9 लाख प्याज, 8-9 लाख किलो मिल चुका है। देखते हैं शाम भाई को भी, देखो 1,90,000 तो हो चुका, तो इसको मिलने वाला है, ये तो अपने आप ही घूम जाएगा इधर को,
और इसको अभी 2 लाख पे आज मिल चुका है। लो हो गया भाई, और साहिल भाई को देख लेते हैं तो उतने उतना मिलेगा क्योंकि भाई कैपेसिटी उतनी है। लो भाई सारे हेल्पर आ गए। सिद्धू भाजी तो सी ना कट था, सिद्धू भाजी कहते मैं के पीछे हटा। लो भाई सिद्धू भाजी ने भाई 1,64,65,000 पे आज काट दिए। चलो तो अब चलते हैं वापस अपने ट्रैक्टरों के पास। और भाई हार्वेस्टर वगैरह मैंने धो के खड़े कर दिए हैं फर्स्ट क्लास से, और अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ यहाँ पे खड़ी हैं। चलो भाई कितने गए हो भाई, कितने गए ट्रैक्टर? लो भाई आ गया आप छोटे दिन। ओ भाई तू भाजे ना अगर तो यहाँ पे सिद्धू भाजी ट्रैक्टर है कोई और हैगा है कितना रोला पाओ फटाफट कौन है। यहाँ पे सिद्धू भाजी ट्रैक्टर और ये ट्रॉली अपनी दोनों मैंने धो के यहाँ पर लगा दी। अब भाई मुझे वहाँ पर लगानी है आज कॉटन, तो कॉटन के लिए अपने पास 3 है प्लांटर बहुत बढ़िया बढ़िया। तो पहले लेने में सिद्धू भाई का ट्रैक्टर, न्यू होलैंड 36 ट्रैक्टर को मैंने दूध की फैक्ट्री में लगा दी, यानी कि दूध के काम पे लगा दिया। भाई तू वहाँ पे वो खड़ा हुआ देखो, अगर आप बिल्कुल सामने वो नीला वहाँ पे खड़ा, तो उसको मैंने लगा दिया काम पे। मैं कहा भाई तू यहीं पे खड़ा रहेगा और जब भी दूध गाय निकालेगी तो दूध इकट्ठा करके दूध बेचने जाएगा, तो उसकी भाई ड्यूटी ऑन कर दी है। तो ये है भाई अपना ट्रैक्टर, इसको लेके चलते हैं अपने प्लांटर को। ये एक प्लांटर, 3 प्लांटर है मेरे पास। तो एक मिनट इसमें देखता हूँ भाई, कॉटन है भी इसमें? कॉटन है भाई। अच्छा भाई पहले अपने खेत भी तो देख लें, इनमें प्लो की जरूरत तो नहीं है। एक मिनट, हार्वेस्टेड है, रिमूव टॉप नहीं आ रहा। देखो प्लो को देखने का तरीका ये है कि इसको जाओ ऐसे, इसमें देखो ये कह रहा है नीड प्लोइंग। अरे यार भाई इसको तो प्लोइंग की जरूरत है, तो खेत को प्लो की जरूरत है। एक मिनट इसको हटाता हूँ तो हाँ भाई, इसको लाइन की जरूरत भी है, प्लो की जरूरत भी है। तो यार प्लो करना पड़ेगा पहले, ओ भाई फिर तो काम खराब हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, प्लो नहीं करते, ऐसी जमीन को लगा देते हैं, ऐसी लगा देते हैं। देख ओ ओ ओ, ओ आ गया होया। अब प्लो करने जाऊँगा तो भाई टाइम खराब होगा, मेरे नुकसान हो जाएगा, अगली बार प्लो कर दूँगा। तो प्लो ऐसे देखता हूँ, अगर लग गई फसल तो ठीक है भाई, नहीं तो फिर मुझे प्लो खरीद के, प्लो वैसे भी मेरे पास अभी शायद एक है, तो 2 प्लो और चाहिए। ओ भाई अपने गावा देखो भाई, गावा ने भाई गोबर बहुत सारा दिता हुआ, वो पाथियाँ बनानी पैनी है गोबर का, मतलब सफाई करनी पैनी है, मैनूर में बेचना पैना। चलो देखते हैं बेच देंगे बाद में। और भाई अपना खेत कहाँ पर है? जीरा आ गया आ गया। और भाई ये प्लांटर है 36 मीटर का, 18 मीटर लेफ्ट 18 मीटर राइट, और इसके अंदर काफ़ी सारा अभी लिक्विड फर्टिलाइज़र और जो सीड है बहुत सारा, तो इसकी कैपेसिटी बहुत है भाई। 2 लाख सीड आता है इसके अंदर, और मैं कल 50,000 इसके अंदर आता लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो देखता हूँ ये कल्टीवेट कर देता है, कल्टीवेट करके ये लगाएगा फसल के नहीं लगाएगा अभी पता लग जाएगा, अगर लगा देगा तो भाई ठीक है। तो कॉटन लगाने के बाद तो भाई प्लो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी सनफ्लावर लगाई थी, तो ये इसलिए कह रहा है कि इसको वो करो प्लो करो। देखता हूँ खोल के इसको भाई सेट करना पड़ेगा। एक मिनट पीछे आ जा भाई, पीछे आ जा, पीछे पीछे भाई, छोटा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा है ना ये प्लो, बहुत बड़ा है इसलिए व्यू भाई बहुत छोटा करके देखना पड़ेगा। और पीछे थोड़ा जा, पास 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 भाई, इसको करते थोड़ा सा इधर कोने पे लगाता हूँ ना एकदम। एक ट्रैक्टर की आवाज़ ही आनी बंद होगी भाई, इतना छोटा कर दिया मैंने, देखो ट्रैक्टर की आवाज़ ही नहीं आ रही। एक मिनट आप सही है, तो अभी करते हैं इसको ऑन बी से, और बी से करते हैं डाउन, और कॉटन मैंने सेट कर ही लिया। और यहाँ पे लगाता हूँ क्रूज मोड। ओ भाई ये तो लगाने लगा लग रही है। लो भाई ट्रैक्टर की आवाज़ कितने चली गई, ओ ट्रैक्टर कितने चला गया भाई। ओ लो भाई कुड़ी आई है एक बहुत ही सोहनी जी, और लगी अपना कॉटन लगान। चलो भाई नीचे उतर जाते हैं और छलांग मारते हैं इसके ऊपर से, देखता हूँ। तो ये ग्रोइंग हो रही है, और ये है लैंड एरिया 100 किल्ले ज़मीन है, ये है 100 किल्ले में लग रही है अपनी कॉटन, और अब मुझे वहाँ भी लगानी है दोनों में। तो एक काम करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा अभी, तो भाई 2 प्लांटर और लेके आने पड़ेंगे। सिद्धू भाई तो लगाने लगे कॉटन, और यहाँ पर अरे ये क्या हो गया, तो इसको भी प्लोइंग की जरूरत पड़ गई है। देखो इसको भी प्लोइंग करनी पड़ेगी, इसको हटाता हूँ तो प्लो को, हाँ देखो प्लो भी चाहिए, इसको लाइम भी चाहिए, तो लाइम तो मैं डालता नहीं हूँ, तो हम प्लो करेंगे, तीनों खेत भाई प्लो करने पड़ेंगे अगली बार। चलो अब मुझे बताओ, कॉटन तो मैं लगा दूंगा, अगली बार कॉटन काटूंगा इस खेत में, यानी 42 नंबर फील्ड के अंदर कौन सी फसल लगाई जाए जो आपको देखनी है। मैं सोच रहा हूँ कि गन्ना नहीं लगाया इसमें, आलू लगा दिए क्या? शुगर बीट आलू लगा सकते हैं, गन्ना लगा सकते हैं अभी, और
ये क्लोवर फ्लोवर बेकार है, चेरी का पता नहीं क्या रेट मिलता है, गाजर प्याज लगा दी भाई, बंद गोभी नहीं लगाई हमने अभी तक। तो शुगर बीट, पोटैटो और बंद गोभी, इन तीनों में से एक फसल बताओ वो लगाएंगे फिर उसमें बयाली नंबर में। और अब चलते हैं भाई वापस फटाफट से अपने खेत में। और कितने गया यार अब खेत भाई, इतना बड़ा जगह है मैं अपना सामान ही भूल जाता हूँ। ओ हाँ यार, ओ भाई पिछली बार कूलर ट्रैक्टर मुझे मिला नहीं था क्योंकि कूलर की ना फोटो नहीं आती यार, ये बड़ा पंगा। तो कूलर यहीं पर था स्मॉल ट्रैक्टर के अंदर, और ये देखो कूलर यहीं पर था, मैं ढूंढता रहा ये भाई, इसकी तो फोटो ही आती यार, ये फोटो क्यों हटा रखी है, मुझे लगानी पड़ेगी। तो ये अभी अपना अर्जुन कूलर, और इसका मेन कलर लाल है लेकिन काला क्यों आ रहा, डिजाइन कलर एक मिनट, अच्छा अच्छा ओह हो, तो भाई डिजाइन में मतलब ये पीछे हिच चेंज हो गई, ओके एक मिनट रुक जाओ, अच्छा ओ भाई हिच का कलर देखो क्या प्यारा हो गया नीला, चलो यार ये तो मैंने कभी देखा नहीं। और आगे भी कुछ चेंज हुआ है क्या भाई, आगे कुछ चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ ये हिच का कलर है ये चेंज हो रहा है, मेन कलर हरा लेते हैं तो मेन कलर नहीं चेंज होता, होना चाहिए था वैसे, सेटिंग करके कर सकते हैं। तो इस ट्रैक्टर का कलर क्या है, अर्जुन कूलर काले से भाई लाल हो जाएगा, तो इसके अलग अलग कलर के ट्रैक्टर हम बना सकते हैं, एक दो तीन चार आठ बन जाएंगे भाई। चलो ठीक है बैक करके और इसको लगाते हैं नीला, इसमें और कलर ऐड कर सकते हैं, तो अच्छा लग रहा है हल्का नीला। तो ये क्या है इसमें भाई, ये लिखा है और ने रचन भजे भाई, पता नहीं कौन सी भाषा लिखी है, मैंने नहीं पता, ट्रैक्टर है पंजाब का लेकिन भाषा लिखी है रशियन। तो इसको करते हैं भाई, और भाई ये है 1000 हॉर्स पावर का, 1000 हॉर्स पावर का है कूनर के, तो आग ही हो गया भाई, लैग क्यों ला पाई भाई, कूनर आते ही कूनर ने लैग कर दी शुरू। तो ये भाई अपना कूनर, और इसके अंदर हॉर्न तो बसता ही नहीं है, और भाई लैटे शैटे इसके अंदर जबरदस्त लगा रखी है, अब बत्ती कितने चलेगी भाई, देखो बूफर देखो बूफर भाई, तीन पीछे दो आगे पांच, और ये भाई लैटा शैटा जबरदस्त, चल भाई कूनर इतने ना करने काम। तो ये भाई कूनर, इसके आगे भी एक कूनर लगा हुआ छोटा सा, और दो झंडे लगे हैं छोटे छोटे से, दो भाई कूनर लैटे मारता हो जा रहा है, कूनर को करते हैं बैक थोड़ा सा इधर को, भाई कूनर की आवाज़ देख रहे हो जब बैक होता है, चीनी नहीं भाई, बहुत ही प्यारी आवाज़ है इंजन की। चल भाई ला ला प्लांटर, तो एक प्लांटर मैं अभी लेके चलता हूँ और इनको भाई लगा के आता हूँ। ओ भाई यार ये प्लांट, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी भाई, ये बहुत बड़े बड़े प्लांटर, बहुत बड़े बड़े भाई फंस जाते हैं, तो एक काम करना पड़ेगा पहले भाई सीधा चलना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा सा ये निकल गया भाई, बहुत बड़ा है ना क्या करूँ, प्लांटर देख रहे हो कितना बड़ा है भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। एक काम कर कूनर को यहाँ पे खड़ा करता हूँ, और भाई अब एक और भी तो चाहिए भाई, वो खेत 200-250 एकड़ का है, तो उसके अंदर दो प्लांटर लगाने पड़ेंगे मेरे को। चल भाई चल, तो यहाँ पे अपना टोटा स्वराज और अपना फार्म ट्रैक खड़ा हुआ है अभी, और ये कहाँ पर है, अच्छा एक प्लो है मेरे पास, तो एक प्लो है भाई, अरे यार पीछे से तो नज़र नहीं आएगा, तो एक प्लो अपने पास है, और भाई दो प्लो मुझे किराए पे लेके फिर प्लोइंग करनी पड़ेगी। ओ यार वो लगाया क्यों नहीं, अच्छा प्लांटर यार मेरे पास कितने सारे हो गए, प्लांटर मेरे पास कितने खड़े हैं भाई, एक मिनट यार पांच प्लांटर कैसे खड़े हुए भाई, समझ नहीं आया, एक मिनट यार देखें गैराज के अंदर, एक मिनट यार देखने तो दो भाई, दो प्लांटर मेरे पास हैं अपने, और किराए पे भी ले रखे हैं क्या, ओ भाई तीन प्लांटर मैंने किराए पे भी ले रखे हैं, ये कब लिए यार, पिछली बार लिए होंगे जब फसलें लगाई थी, तो मैंने वापस नहीं करे तब से। चलो अब देखते हैं, पहले आज कॉटन तो लगा दें भाई, इसमें पहले कॉटन सेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में भूल जाता बंदा। और इसको लगाते हैं इसके पीछे, कूनर का पीछा करेगी ये लड़की, बस 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 कुत्ते कुत्ते चढ़ा रही है भाई, लड़की है क्या है, हाँ भाई लड़की है, बाल इसके कटे हुए हैं भाई, गंजी सी है, बाल बहुत छोटे हैं, गर्मी लगती लगता है इसको ज़्यादा। और अब चलते हैं कूनर को लेके, वो भी लाइटें जगा लेगा अपना स्वराज, चल आ जाए आगे, और इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइजर तो है ही नहीं यार, चलो कोई बात नहीं भर लेंगे बाद में, अभी तो है 16000, इतना तो शायद लगेगा भी नहीं। तो स्वराज आ रहा है उसके पीछे, आजा भी आजा भाई, कूनर की आवाज़ देखो क्या ही जबरदस्त है यार, इसके आगे में लिखा है कूनर, और इसके ऊपर लगा हुआ है कूनर, देखो छोटा सा कूनर भाई, स्वराज बहुत तेज आता है बैक पीछे,
तो इसका, हाँ भाई इसका भी बीच सेट कर लेंगे पहले ही, क्योंकि बाद में फिर नहीं तो ध्यान में नहीं रहता। एक मिनट, ये आगे भी कॉटन, तो आज इसमें लगाऊंगा मैं कॉटन। और कूलर की स्पीड देख रहे हो भाई, जबरदस्त 90 भाई उसकी स्पीड देखो 200 की है। एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, उसकी स्पीड तो 80 की है स्वराज की। तो भाई कूलर पिछली बार ढूंढा मैंने यार, मिला ही नहीं। फिर मैंने अपना एक पुराना वीडियो देखा कि यार ये कौन से सेक्शन में, कौन सी कैटेगरी में था, फिर मैंने इसको जब देखा तो यो भाई ये मिल गया। दरअसल क्या है कि इसकी फोटो नज़र नहीं आती। आज अभी आ जाए स्वराज खेत ये, तो चलते हैं अपने खेत के अंदर से और देखते हैं कितना खेत कर दिए भाई इसने। अभी तो भाई 3-4 लाइनें लगी हैं, ज़्यादा नहीं हुआ काम। तो अपना खेत भाई बहुत दूर है, अब क्या करूँ यार। अपने जो फार्म के आसपास जो खेत हैं भाई, वो है बिद्दू बिद्दू से, उसमें अपनों को मज़ा नहीं आता। छोटे छोटे से हैं, 20 किले के, कोई 10 किले का, तो छोटे छोटे खेत में क्या मज़ा आएगा यार। अंदर चलते हैं आज, इधर से इधर से। ओ भाई कूलर की तो ब्रेकिंग लग रही थी। ओ भाई स्वराज तो बहुत दूर रह गया, मैं तो स्वराज के बेचारे का ध्यान नहीं रखा। आ जा आ जा छोटे, आ जा। ओ लंघिया लंघिया जोर से, हाँ आ जा भाई, आ जा, आगे आगे भाई लट्टे मारता हुआ आ रहा। ये आया, ये आया, ये आया, ठोकेगा मेरे को, ठोकेगा। अब इससे पहले कि वो मुझे ठोके भाई, मैं बच के निकल जाऊँगा। तो पिछली बार यहीं पर बेची थी हमने सनफ्लावर, और भाई स्वराज ट्रैक्टर उस लाल गाड़ी के ऊपर चढ़ गया था, वो सामने खड़ी है भाई। बड़ी ताकत थी स्वराज के अंदर यार। तो एक मिनट, मैं स्वराज को रोक देता हूँ यहाँ पर। स्वराज वैसे भी फंस गया बेचारा, चलो कोई गल नहीं। तो यहाँ पर भी लग जाएगी अपनी आज फसल। स्वराज को थोड़ा सा पास आने देते हैं। कुंदर भाई ब्रेक का फेल हो रही है, लड़की भाई जो पीछे आ रही है उसको पता नहीं चल रहा, वो कह रही है कितने फंस गई मैं पंजाबियों को आज। एक काम करते हैं, मैं उसको रोक देते, बस खड़ी हो जाते। अब चलता हूँ उस कोने पे भाई, एक उस कोने पे लगाता हूँ, एक इस कोने पे लगाता हूँ दोनों। और जो तीसरा हार्वेस्टर मेरा, जब सॉरी तीसरा प्लांटर जब मेरा खाली हो जाएगा, तो फिर मैं उसको भी यहाँ पर ले आऊँगा। और भाई इसको अब खोलना पड़ेगा, एक इसको खोल लेते हैं और भाई हुड को कर देते हैं बंद, क्योंकि हुड से आता नहीं मज़ा। हुड शुड चोरी हुड, और पानी है भाई यहाँ पर, ये एंड है अभी मैप का, तो इस जगह का एंड है, आगे नदी है। ले भाई कूनर आ जा, कूनर प्लांटिंग कॉटन। एक मिनट, थोड़ा सा इधर को जाएगा भाई, थोड़ा सा बैक इधर करना पड़ेगा। एक मिनट, अब सही, ओके करते हैं भाई इसको ऑन बीवी से, और चल भाई कर दे काम चालू। 3 नंबर दबाते हैं और इसको लगाते हैं हेल्पर। लो भाई कूनर लगा रहा है आज ये भाई, क्या ही बात है। बंदा भी भैंस भाई, बंदा भी बहुत ही कैंट जा आया ऊपर देखो। तो ये लगाने लगा, चलते हैं स्वराज के पास। स्वराज कितने चला गया भाई, आ रहे। तो स्वराज को खोल लेते हैं पहले ही इसको प्लांटर को। चल भाई छोटे एकदम भाई, दो कोने पे लगा देता हूँ, और ये खेत बड़ा है ना, इसके अंदर अभी मुझे लगता है कि कॉटन लगाने में टाइम। अगली बार काटूंगा कॉटन भाई बढ़िया सी। और मुझे उस खेत का बताओ जल्दी से कि 42 नंबर खेत जो अपना है, उसके अंदर भाई कौन सी फसल लगाई जाए, फटाफट से कमेंट करके बता दो। टमाटर लगाना है, प्याज नहीं, सॉरी टमाटर तो इसमें है ही नहीं यार। तो उसमें शुगर बीट, टमाटर या फिर कैबेज, बाकी फसलें भी लगा लेंगे यार, चेरी फेरी भी लगा लेंगे, एक हॉप्स भी, हॉप्स होपस होपस टॉपस वो भी लगा लेंगे। चल भाई इधर कर, ओके शुरू हो जा भाई, शुरू हो, जल्दी जल्दी लगा दे। लो भाई ये भी लग गया। ओ भाई छलांग मारते हैं इसके ऊपर से, नहीं तो हेल्पर फंस जाएगा। ये खेत भाई 226 किले, लेकिन इसके अंदर जो एरिया है वो है 163, तो ये 226 एकड़ का खेत है। लो भाई तो देखते हैं एक बार, ये कॉटन वाइट वाइट लगने लगी। अंश और अर्शु भाई दोनों ए से आगे, किंग ओए होए किंग इतने आया भाई, किंग लगा रहे 70 नंबर पे। और तुलसी की काटता भाई, देखते हैं इनको, इन्होंने कितना काट दिया खेत भाई, कहाँ चल। ओ भाई इन्होंने तो उड़ा भी दिया एक ने। तो चलो एक काम करना पड़ेगा, अब अपने ट्रैक्टर तो बिजी हो गए हैं, अब भाई इनको फसल बेचनी भी तो है ना। तो देखता हूँ अभी ट्रैक्टर खाली करवा के फिर आता हूँ, उनको भाई लेके तो आना पड़ेगा, ट्रॉली तो चाहिए। तो मेरे पास अभी तो खड़ा है, कौन सा ट्रैक्टर खड़ा है, एक भाई फार्म ट्रैक खड़ा है, एक न्यू हॉलैंड खड़ा है। तो कोई बात नहीं, एक दो ट्रैक्टर वो ले लेते हैं यार, अब तो जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि भाई अभी अगली बार प्लो भी करना है, तो प्लो के लिए फिर मुझे बहुत सारे ट्रैक्टर लगाने पड़ेंगे।
क्योंकि 200 एकड़ को प्लो करना, 500 एकड़ खेत प्लो करने, मेरे को 500 एकड़ तो भाई उसके लिए कम से कम 8-10 ट्रैक्टर तो चाहिए। चलो ठीक है, इसको कटने देता हूँ, अभी थोड़ा इंतजार करता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं ट्रॉली श्रॉली लेके और फिर चलते हैं माल बेचने। तो लो भाई, कॉटन लग गई है और अपना ऑनियन भी कट चुका है और भाई प्लांटर मैं वापस लाया हूँ और ये 5 ट्रॉली भाई किराए पे ली हैं, क्योंकि जो मेरे पास पहले ट्रॉली थी भाई वो बहुत ही छोटी थी, उससे काम बनने वाला नहीं था क्योंकि प्याज मिला है बहुत ज़्यादा। और ये प्लांटर की हालत देख रहे हो भाई, इतनी बस क्या ही बोलूँ, इनको धोने में भाई महीना लग जाएगा। तो ट्रैक्टर भाई अपने पास कम पड़ रहे थे तो मैंने अभी एक लिया है आयशर, तो ये है भाई अपना आयशर ट्रैक्टर ओरिजिनल। आवाज़ सुनो यार, आए हाय हाय भाई कितनी मधुर आवाज़ है, मज़ा आया था भाई सुन के। तो 5 ट्रॉली मैंने ली है, तो 5 को लेके चलते हैं प्याज बेचने और अब मुझे अपने भाई ट्रैक्टर को धोना भी है। चल भाई ओके, उतर जाते हैं इसमें से। तो ट्रैक्टर अपने गए थे 3 काम पे खेत में भाई, बहुत गंदे हो गए, इनको जरा धो लें फटाफट से, क्योंकि यार माल बेचने मंडी में जाना है तो लोग कहेंगे देखो गंदे ट्रैक्टर लेके आ गया यार, अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई ट्रैक्टर जरा साफ़ होने चाहिए। तो भाई आयशर इसका यार मडगाड़ ये देखो,
एक मिनट दिखाता हूँ, देख रहे हो यहाँ पे भाई, इसमें बहुत ही मिट्टी लगती है। देखो इसको जरा मैं साफ कर लूँ, इसके मड़गाट बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं स्वराज के। लो भाई स्वराज हो गया अपना, कूनर को करते हैं भाई जरा बूफर, बूफर को मार लेते हैं बढ़िया सा। ओ देखिए भाई बूफर से पानी ना पानी कितने पता लग गया, बाद चो गाने चलते नहीं। लो भाई कूनर को भी साफ़ कर लिया, और भाई एच एम टी सिद्धू भाजी का इनको करते हैं साफ। एच एम टी नाठ ग्यारह, और तैनू कहते नाठ ग्यारह नहीं। लो भाई सिद्धू भाजी की फोटो से मार देने पानी बढ़िया जहा। लो भाई अपने सारे ट्रैक्टर हो गए बढ़िया नमे डकोरे, लग रहा भाई अभी अभी शोरूम से आए हैं। तो पांच ट्रॉली लिए मैंने, अब पांच के साथ माल बेचना है हमें अपना प्याज, तो इसको लगाता हूँ कूनर के पीछे। कौन से लगाएं, कूनर तो है काले रंग का, तो मैंने काली ट्रॉली भी ली थी यार, एक मज़ा नहीं आया, कलर मैंने चेंज कर दिया। तो चलो कोई भी लगा लेते हैं, कूनर के साथ लगाते हैं गोल्डन। तो ये हो गया भाई एक, सफाई करते हैं यहाँ पर खड़ा, अभी थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ यार, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, ट्रैक्टर बहुत सारे हो गए हैं, पांच ट्रैक्टर है भाई। ओके भाई खड़ा हो जाए इतने। ओ मेरा बंदा कितने गया भाई, बंदे के बगैर भाई मज़ा नहीं आता। तो अब भाई कूनर को लगाना है सबसे आगे, तो इसको इसके साथ लगाते हैं भाई गोल्डन, जो ब्लैक एंड गोल्डन भाई अच्छी लगेगी। तो भाई मैंने क्या करा इस बार, पिछली बार तो मैंने ट्रॉली ली थी, गलती कर दी बहुत बड़ी, कि ट्रॉली के साथ भाई इसके जो रिम थे वो चेंज नहीं करे थे। इस बार देखो तो भाई रिम मैंने गोल्डन के साथ गोल्डन लगाए हैं, रेड के साथ रेड, ब्लू के साथ ब्लू, ऐसे। तो इसको लगाता हूँ भाई सबसे आगे, एक मिनट। ओहो भाई इसकी ब्रेक नहीं लगती, ब्रेक फेल हो रही है, कूनर ही ब्रेक का भाई फेल होनी है भैया बस। ओके तो अब सबको एक एक करके लगाता हूँ पीछे, भाई उस खेत में जाना है जल्दी से, माल इकट्ठा भी तो करना है। तो चल भाई इसको लगाते हैं भाई कूनर के पीछे, अब पांच ट्रैक्टर को लेके जाऊँगा अलग अलग, तो भाई बहुत टाइम लगेगा। बस स्वराज हो गया चालू, अब चलते भाई सिद्धू भाई आठ ग्यारह च, और इसके साथ कौन सा लगाते हैं, इसके साथ लगाते हैं भाई हरा। चलो आज इसके साथ लगाते हैं भाई हरे रंग का, हरियाली आ जाएगी भाई आँखों में ज़रा। अबे चल भाई पीछे, ओके लग गया। तो इसको लगाते हैं स्वराज के पीछे, आज भाई कूनर से माल बेचेंगे, और ट्रैफिक जाम हो जाएगा यार यहाँ पे, वो देखो वहाँ पे ट्रैफिक पहले ही जाम हो चुका। ओ खड़े रहो ये छोड़ ना पाओ माल बेचने जाना। तो अब लेते हैं भाई अपना फार्म ट्रैक, फार्म ट्रैक भाई आ जा पड़ साठ पचपन फार्म ट्रैक, ये भी गंदा हो रहा है यार थोड़ा सा, इसके भी टायर गंदे हैं, हल्के फुल्के धोने पड़ेंगे। चलो भाई इसको लगाते हैं यहाँ पे, अरे भाई टक्कर मार दी इसने तो ट्रॉली के अंदर। तो इसको जरा मैं सीधा करके लगाता हूँ यार, नहीं तो ट्रैफिक बहुत जाम हो जाता है, देख रहे हो आपके सामने। ओ बस 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 इसकी ब्रेक भी थोड़ी कम है भाई, चला चला के ट्रैक्टर सबकी ब्रेकें थोड़ी फेल हो रही हैं भाई। लड़की सी आई है एक सुंदर सी, तो भाई लड़कियाँ बहुत आती है काम करने, देखो हेल्परी में ये एक भाई आयशर अपना है ओरिजिनल ये। ओह भाई क्या है आवाज़ है, पट 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 पट, दो सौ इकतालीस लट्टा था बाल है, और चंडा लग गया भाई आगे देखो किसान एकता था, और इसकी लाइटें हैं, और भाई मेरा नाम लिखा हुआ अच्छा स्टार। ओके ओहो सॉरी सॉरी, अरे यार क्या कर दिया, अरे यार गलत बटन दबाएगा तो ऐसे ही होगा। तो पीछे लिखा है भाई आई सपोर्ट फार्मर, ओके भाई मैं सपोर्ट करता हूँ फार्मर को, क्योंकि मैं तो खुद ही किसान हूँ भाई, तो सपोर्ट करो किसानों को, और भाई उनको रेट वेट दिलाया करो मंडी में। अब चलते हैं मंडी में प्याज बेचने, देखते हैं भाई आज प्याज का रेट क्या मिलने वाला, अभी तक भाई मैंने चेक नहीं करा कि प्याज कहाँ पर मिलेगी और कहाँ पर बिकेगी, तो अभी देख लेते हैं। ओ हाँ मार दे मार दे, अरे यार ये कौन सा बटन दबा दिया, गलत बटन दबाओगे तो ऐसे ही होगा भाई। इसके पीछे लिखा है ट्रांस 70, चल 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 कितने फंस गया यार, चल भाई कूनर के अंदर जल्दी से। ओ इधर है भाई कूनर, कहाँ जा रहा, और ट्रैफिक की यहाँ जैसी और रखी है, पांच पांच ट्रॉली आ गई अपनी ट्रैफिक। ये भाई इस ट्रैफिक को मेरे से क्या प्रॉब्लम हो रही है, और देखो एक दूसरे के पीछे टक्कर मार मार के खड़े हैं, अब निकले। तो अब जा रहे भाई कूनर को लेके पांच ट्रॉली के साथ, ये आ जाओ भाई आ जाओ आराम से आओ आराम से आओ, कोई टक्कर मत भाई ट्रॉली को ठोकेगा नहीं कोई भी। तो आशा आ रहा है भाई सबसे पीछे, क्योंकि भाई प्याज मिली है मेरे ख्याल 80-90 लाख, तो और ये अपनी ट्रॉली है भाई 2 मिलियन की, यानी कि 20 लाख की, तो पांच ट्रॉली तो लगेंगी लगेंगी भाई। ओए होए 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 गाड़ी वाले से भाई टक्कर होते होते बच गई कूनर की। ओ भाई मैं पीछे हेल्पर को देख रहा हूँ इस चक्कर में, अब मेरे हेल्पर रुक जाएंगे यार, फंस जाएगा वो, देखता हूँ फंसेगा कि नहीं, कोई नहीं फंसेगा। चलो आ जाओ। तो ओ भाई इसकी ब्रेक नहीं लग रही, ब्रेक फेल हो रही, आ गया आ गया आ गया आ गया भाई पांचवा आ गया, शुक्र है यार कि आ गए हैं।
और देखो भाई कूनर के साथ गोल्डन और गोल्डन टायर। ओयो क्या हुआ पीछे? हरी ट्रॉली खड़ी कर दी भाई, 400 टक्कर मारी सिद्धू भाई ट्रैक्टर से, पूरी ट्रॉली भाई खड़ी कर दी। ये ऐसे ही करते भाई हेल्पर, बहुत ही शातिर हेल्पर, बहुत तेज है ये बंदे। लो भाई अब मैं जरा एक एक करके प्याज भर लूँ, हेल्परों को भी हटाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि अगर मैं इनको हटा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। रुक जाओ, मैंने प्याज ले आएंगे, रुक जाओ। तो एक ट्रॉली देखता हूँ इससे फुल हो जाएगी कि नहीं भाई, इसको ऑन कर लेता हूँ, आपको नज़र भी आए कितना प्याज आ रहा है अपने पास। तो ये अपने हार्वेस्टर खड़े हैं यहाँ पे और इसको लगाते हैं इसके नीचे। शुगर है कि इसका जो पाइप है भाई बहुत ऊंचा है, इसलिए हमें आराम से माल मिल जाएगा। तो ये आगे भी 12 लाख प्याज अपने पास, 16, 17, 18, 19, 20 और अभी उसके अंदर और भी है देखो। चल बस छोड़ दे। तो मैं हेल्पर को लाता हूँ अपने आप नीचे, हेल्पर आएगा आराम से, उसके अंदर प्याज अपने आप आ जाएगी। आ जा। ये आ क्यों नहीं रहे भाई संधू इस ब्लॉक। अच्छा भाई उस ब्लॉक हो गया, ओके भाई एक मिनट। अरे यार उतर के जाना पड़ेगा भाई वो, क्योंकि ब्लॉक हो गया। ये संधू पाजी आया लेकिन ये लड़की क्यों दिखा रहा है? चल भाई इससे लेते हैं प्याज थोड़ा सा। अच्छा उससे कटिंग नहीं हो रही भाई, देखो हेल्पर से कटिंग नहीं हो रही। लो भाई ये आया प्याज, इसमें थोड़ा ही आया, 4000। चलो कोई बात नहीं, एक काम करना पड़ेगा अब इससे लेते। लो ये आ गया अपना पूरा, ये 12, 13, 14 भाई 20 लाख आएगा सब में, तो 5 ट्रॉली में काम हो जाएगा। चल भाई बस कर छोड़ दे गुस्सा जान दे। तो भाई इसको करवाते हैं एक बार फॉलो अर्जुन, और उसको भाई हटाना पड़ेगा क्योंकि यार यहाँ पे जगह नहीं बची। अगर ट्रॉलियाँ सारी यहाँ पे लगा दूंगा तो फिर काम कैसे होगा। आ जा। उसको अब भाई थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ, अभी प्याज कहाँ बिकेगी अभी कोई पता नहीं है। बस मुझे लगता है इतनी जगह बहुत होगी। एक मिनट भाई, ठीक है भाई ओके ना। हाँ चल भाई अब चलते हैं दूसरे ट्रैक्टर के अंदर, ये रहा हेल्पर और उसको हटाना पड़ेगा। चल भाई आ जा, मुँह से पिंडो उठा तूफान देख ला, ताली वाले स्टार। लो भाई इसमें से लेते हैं माल, इसमें थोड़ी सी प्याज है देखते हैं। लो भाई 19 लाख, बस चल पीछे आ जा। और अब भाई चलते हैं इसके नीचे, तीसरा हार्वेस्टर भर रहा हूँ भाई हेल्पर पर। लाद ब्लॉक हो गया, कोई बात नहीं भाई, अब कोई बात नहीं, खड़ा रहे उठे रोड़ा नब्बा। लो भाई ये आ गया अपना एक और फुल हो गया, तीसरी ट्रॉली फुल हो चुकी है भाई अपनी, 20 लाख। चल इसके अंदर अभी है तो इसको मैं लगाता हूँ भाई उसके पीछे, क्योंकि जाना तो है ही मंडी माल बेचने। इसको लगा देते हैं इसके पीछे सुभाष को। अब चलते हैं भाई प्रहलाद के अंदर और प्रहलाद फंस गया, ओके हेल्पर हटाते हैं, खुद लेके चलते हैं। चल भाई फार्म ट्रैक, और इसके अंदर बचा था, इसके अंदर बचा। चल भाई ओके, पीछे आयशर की आवाज़, आयशर आ गया यार एक मिनट। ओ आयशर पीछे आ गया भाई अपने आप, देखो क्या ही बढ़िया। लेकिन भाई इसका हार्वेस्टर का मैंने खोला नहीं है पाइप, इसको खोलना पड़ेगा, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। बस इसके अंदर कितना माल है? 23 लाख है भाई उसके अंदर भी। चल भाई इधर आ जा नीचे, आयशर, ओ आयशर आ गया भाई, बाकी ट्रैक्टर नहीं आ पाए देखो तो। अब रुक जाओ, आयशर को रोकना पड़ेगा भाई। ये भी हो गई फुल, देखता हूँ तो बीस में हो गया 20 लाख। उसको बोलाते हैं फॉलो, तू फॉलो कर भाई, मैं जरा आयशर में जाता हूँ, आयशर में नहीं जाता हूँ मैं, अब मैं इसके अंदर जाता हूँ डायरेक्ट और आयशर में माल डालता हूँ इससे। चल भाई क्योंकि आयशर की ट्रॉली भाई फंस गई है, वहाँ पर जगह नहीं है, और यार जगह नहीं है। चल मार टक्कर, अबे भाई हट जा भाई, हार्वेस्टर को हटाना पड़ेगा, बहुत ही कंजेस्टेड जगह है, फंस गए सारे, इधर हो जा आगे। चल ओके। लो भैया हो गया खाली, एक बार यार सबको चेक कर लेता हूँ भाई, देख लो किसी में कुछ माल तो नहीं रह गया। ये भी खाली है ओके, और अब भाई तीसरा यहाँ पे भाई, इतनी मेहनत से काटा, चेक तो कर लूँ। लो भाई सारे खाली हो चुके, अब चलते हैं उधर, किसमें जाना था, इसमें जाना था ओके। भाई हार्वेस्टर इतने सारे हो गए, समझ नहीं आ रही, आयशर की आवाज़ देख रही हो, पट पट कर रहा भाई। लो भाई तो इसके अंदर आया कितना देखते हैं अभी, आयशर के अंदर ये, लो भाई ये भी खाली हो, 4 हार्वेस्टर लगाए थे भाई,
इधर आ जाओ, इधर तो यहाँ पे खड़ा हो गया। ओके तो हार्वेस्टर किराए पे ले रखे हैं, इनको बाद में वापस कर देंगे भाई अपना, नहीं तो फिर किराया लगता रहेगा। पाक कोड़ी बैठे भी उतर जा, भी उतर जाओ। तो हेल्पर को हटाते हैं एक बार, और इसके अंदर आ भाई 8 लाख, तो टोटल यानी कि 80 और 8, 88 लाख, 8.8 मिलियन भाई अपने को मिला आज प्याज। इसको करते हैं भाई फॉलो। अब चलते हैं भाई कूनर के अंदर। चल भाई कूनर कितने गया, ये छलांग मार के घुस जाते हैं इसके अंदर, और इसको हटा देते हैं अभी। और प्याज का देखते हैं भाई रेट कहाँ पे मिलने वाला है। एक मिनट भाई, इतनी मेहनत करी है, अगर लैड वैड चली गई तो पंगा हो जाएगा। तो प्याज का रेट देखते हैं भाई कहाँ पे मिलना है आज, क्या रेट मिल रहा है प्याज का। कहाँ गया प्याज, नहीं भाई यहाँ पे नहीं है, एक ये भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। प्याज कितने चला गया, बोल रहे वो आ गया भाई, शुगर आ गया। 891 रुपये मिल रहा भाई स्टेशन ग्रेन ईस्ट। स्टेशन ग्रेन ईस्ट किधर पड़ेगा भाई, किधर पड़ेगा है, ओ भाई दूसरे कोने में भाई, बहुत दूर है। आ जाओ भी आ जाओ, देखो अभी धो के लाया था कूलर को, और देखो भाई कितना गंद मचा दी कूलर, देखो कितना गंदा हो गया, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो, ऐसा लग रहा है बस कई महीने से धोया नहीं भाई। ट्रॉलियाँ देख लो और अपने इसके टायर देख लो भाई, इधर से धूप नहीं पड़ रही, इधर से धूप पड़ रही, देखो गोल्डन, क्या ही मज़ेदार है। वाह भाई लो भाई कूलर के आगे कूलर, और कूलर के पीछे गोल्डन ट्रॉली। अब पाँचों को लेकर जाना पड़ेगा भाई, ये बहुत पंगा वाला काम है, तो वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। चलो भाई आओ, आज भी आज तो धीरे धीरे चलते हैं यार, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और बाकी की स्पीड कम है। और भाई मैं रोड से नहीं जाने वाला, क्योंकि यार सड़क पे जाऊँगा, ओहो यार इसकी तो ब्रेक नहीं लग रही, तो सड़क से जाऊँगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाएगा और मेरे सारे हेल्पर फंस जाएंगे। तो एक काम करना पड़ेगा मेरे को, खेत के अंदर से जाना पड़ेगा भाई, उस तरफ जाना बहुत दूर है। एक काम करता हूँ जल्दी से, पीछे देखता हूँ रोड पे क्या आ रहा है भाई, ट्रक आ रहा है, पहले ट्रक को जाने देता हूँ, उसके बाद इनको निकालता हूँ। ओ यार ये टक्कर मारते मारते आ रहे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ आराम से। ओ पांचवा कहाँ चला गया, हाँ आ रहा आ रहा, चलो चल ट्रक वाले निकल भाई फटाफट, जल्दी कर निकल भाई निकल, अब चल लेना भाई। वो देखो हरी ट्रॉली भाई, फार्म ट्रक ने हालत खराब कर रखी है, सिद्धू भाई गए ट्रॉली की। ओ यार ये तो रुक ही गए, और ट्रक अपने अब रुक ही गया भाई, इज्जत दे रहा है देखो किसानों को। ओ देखो अब चल पड़ा, अब चल पड़ा, और अब ये देखो टक्कर मारेगा, रुक जा बेटा रुक जा, अभी अभी रुक जा, मेरी ट्रॉलियाँ आ रही हैं। ओ देखो रुक जा, ओए ये पंगा है। ओ देखो अब कोई ना कोई हेल्पर ब्लॉक जरूर होगा, पक्की बात है। नहीं 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 आयशर फंस गया, आ गए आ गए आ गए भाई, ये दिक्कत होती है। और कहाँ है यार अब भाई, उस कोने के अंदर बहुत ही दूर है अपने खेत से, कोई बात नहीं जाना तो पड़ेगा भाई, माल तो बेचना है। तो 90 लाख के आसपास प्याज मिला भाई, 9 मिलियन मान लो आप, 9 मिलियन के आसपास प्याज मिला। और देखो मैं किसी के खेत में घुस गया हूँ, मेरा ट्रैक्टर भी नज़र नहीं आ रहा, छत नज़र आ रही है। ओ यार ओ एक मिनट गलती कर दी यार, लैटे मारो यार लैट वैट जला लो भी सारे। और यहाँ से रास्ता है, हाँ भाई रास्ता है, आ गया भाई आ गया। अरे यार पास था लेकिन दूर लग रहा था। और तूड़ी वाली मशीन अपनी खड़ी हुई है यार, तूड़ी भी नहीं उठाई बहुत दिन हो गए। आओ 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 भाई, फसलें देखो क्या लहरा रही है, देख रहे हो। ओ हाँ मार दे टक्कर, चढ़ जाओ दे कूनर के ऊपर भाई। क्या है कि जब इकट्ठे चलते हैं तो ब्रेकें फेल हो जाती हैं, टक्कर ही मार मार के चलते हैं। तो ये फसल लगी हुई है भाई, ये लगी हुई है अपनी गेहूँ या सोयाबीन, क्या लगा सोयाबीन लगी भाई। ओ बदमाशी ना करो स्वराज, तो चोटिया टकरा ना मार, फार्म ट्रक की लाइट रहे देखो कैसे मार रहा है, वो हरी ट्रॉली का ठोकेगा। लो भाई पहुँच गए प्याज बेचने, अभी भी लगता है दूर है, कहाँ पर है यार। और ये देखो भाई प्याज भी देख लो आप भाई, गंडे ही गंडे हो गए अपने को, आज अंदर जाना है कि बाहर जाना है पता नहीं है। एक ओ भाई ब्रेक फेल हो गई, कूलर की ब्रेक नहीं लगती, सिलेंसर देखो भाई क्रोम दा क्या चमक रहा है भाई, मुझे लग रहा है इसके अंदर ही होगा, हाँ इसके अंदर ही है पॉइंट। तो यहाँ से निकलते हैं इस तरफ से, इधर से ध्यान से आना भाई, ध्यान से आना फंसना मत। हाँ देखो भाई मैं बहुत आराम से निकाल रहा हूँ ताकि हेल्परों को दिक्कत ना हो। ओहो इसके अंदर बिकेगा,
इसके अंदर भिगेगा भाई, इसके अंदर तो हेल्पर को रोकना पड़ेगा भाई एक एक करके। आ जाओ आ जाओ, क्या मज़ेदार है भाई, 5-5 ट्रॉली 20-20 लाख माल की। ओके तो अभी एक मिनट भाई, हेल्पर को रोक दूँ? नहीं यार, जरूरत तो नहीं है, हेल्पर वहीं पर रुक जाएगा। तो निशान अभी आया नहीं, निशान तो देखना पड़ेगा। लो भाई, ट्रॉली की मैंने स्पीड कर दी थी तेज, अब एक ट्रॉली 20 लाख की जा रही है अपनी प्याज की। देखते हैं कितना मिलने वाला है हमें पैसा। और पीछे स्वराज देखो तैयार है माल बेचने के लिए। लो भाई, दो हेल्पर ब्लॉक हो गए। एक ट्रॉली से मिले 1.7 बस यार, बहुत ही कम मिले यार। यार ये तो कोई बात नहीं हुई, अपने पास हो गए 31 मिलियन। चल भाई इसको निकालते हैं थोड़ा सा बाहर, कूनर को। ओके भाई, हेल्पर को हटा देता हूँ, और भाई इसको ज़रा मैं साइड में कर दूँ, क्योंकि यार बाकी ट्रॉली भी तो लेके आनी है भाई। 5 ट्रॉली है, आसान काम थोड़ी है इतना माल बेचना था। तू भाज ला, सॉरी दिया भाई, ये भागता बहुत है। चल भाई चल, आराम से चलते हैं यार, भागेंगे नहीं, भजन ना सट लग जाएंगे भाई। आ जाए तो ये अभी स्वराज की ट्रॉली, और देखते हैं पीछे से एक बार नज़ारा ये। तो भाई ये है अपना नज़ारा, और देखो अपना प्याज जा रहा उसके अंदर, और 31 1.7 यार, इतना फ़ायदा नहीं हुआ प्याज में यार, जितना बंद गोभी में हो तो $12 मिलियन मिले थे यार। तो 1.7 1.7, तो भाई प्याज लगा के कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आया। एक मिनट भाई, हेल्पर को रोकूँ एक बार, खड़ा हो जाए बेटा खड़ा हो जाए। तो भाई आगे दूसरी ट्रॉली इसको लगाते हैं अभी यहाँ पे। ओके अब चलते हैं फटाफट भाग के तीसरे के अंदर। सिद्धू भाई का ट्रैक्टर लो भाई, 8-11 नू कर दें आगे। चल हो गया स्टार्ट। तो 1.7 1.7 यानी कि यार प्याज नहीं, गाजर में बंद गोभी में ज़्यादा फायदा होता है, और इसमें बहुत कम फायदा हो, क्योंकि प्याज मोटा होता है बड़ा होता है, इसलिए मिला नहीं उतना माल। और इसके भी 1.7 ही मिले, उतने ही मिलेंगे भाई जितने रेट है, तो वही रेट है। आ जा आ जा आ जा, आराम से देख लो भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। ये क्या कर दिया मैंने, अरे यार ये। हाँ एक मिनट तो भाई, गड़बड़ हो गई थी, बटन गल दब गया। लो भाई 3, ओके 3 ट्रॉली अपनी हो गई खाली। अब चलते हैं फार्म ट्रैक के अंदर। आयशर भी भाई पीछे पट 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 करने लगा हुआ है, ले अभी फार्म ट्रैक तो भी बेच फटाफट। तो आज देखा, क्योंकि भाई मैं अगर दो दो खेत काटता हूँ ना तो बहुत काम बढ़ जाता है मेरा, तो मैंने सोचा था कि एक एक खेत करके काटूँगा, तो ये सही है। ऐसे भाई बंदा थकता नहीं है। लो भाई 1.7, और एक बार जरा आयशर को बंद कर दूँ। तो प्याज में ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ भाई, बहुत कम फ़ायदा हुआ प्याज में, मतलब रेट कम मिला। ओके लास्ट अभी अपना आयशर, बहुत ही प्यारा आवाज़ देख रहे हो, लग रहा है कानों में बांसुरी बज रही है ये। हाँ हाँ क्या स्टार्ट होता है भाई, ओरिजिनल आवाज़। तो मेरे घर के पास से कभी कभी जाता है आयशर भाई, ऐसी आवाज़ होती है सेम, बहुत ही बढ़िया। लो भाई इसके अंदर था 80 लाख, और ये गया भाई अपना 7 लाख का, इसके अंदर था 8 लाख, सॉरी उनके अंदर था 20-20 लाख। तो ये अभी अपनी ट्रॉलियाँ पाँचों यहाँ पर, मैं इनको वापस लेके जाता हूँ, और भाई सारा सामान अभी मुझे सेट करना। तो भाई ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत काम करना पड़ता है देखो। तो ये आगे भी अपनी 5 ट्रॉली है, वाह भाई वाह, क्या ही बढ़िया लग रही। अरे यार बंद तो हो यार, भाई देख रहे हो क्या जचती हैं यार, क्या कलर है भाई ट्रैक्टरों के देखो। और चलो देखते हैं बाकी आज हमें क्या हो गया। ओह तो टोटल आज हमें सारी फसलों का, मतलब सनफ्लावर का और प्याज का मिला के मिले हैं 9.5 मिलियन। लेकिन पिछली बार मैंने रेड कैबेज बेची थी और सोयाबीन बेची थी, तो भाई मुझे मिले थे 12 मिलियन, क्योंकि रेड कैबेज बहुत ज़्यादा मिली थी, मतलब मिली इतनी थी लेकिन भाई उसका रेट ज़्यादा था, उसका रेट भाई 1500-1600 होता है। तो ये देखो इसका रेट 1000, इसका रेट 1000 है, इसका देखिए इसका 1100। तो बंद गोभी लगा के फ़ायदा होगा, और आलू आलू भी भाई बहुत ज़्यादा मिलता है। आलू कहाँ गया आलू, आलू चलो बाद में देखेंगे, आलू कचालू, आलू शुगर बीट और रेड ग्रीन वाली बंद गोभी, हरी बंद गोभी, तो वो लगाता हूँ मैं अपने 42 नंबर खेत में। ठीक है भाई, तो ये था आज का गेम प्ले, बताना कैसा लगा। आज हमने माल बेच के भाई $9 मिलियन कमाया, अपने पास हो गए $37 मिलियन, और ये भाई अपने ट्रैक्टर, बाप भाई वाह, क्या बहुत ही बढ़िया नज़ारा।
चलो दोस्तों, FS19 का ये था अगला गेम प्ले, उसका पार्ट कनाडियन प्रोडक्शन का। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, किसी और वीडियो के, किसी और मतलब और गेम प्ले के वीडियो में, किसी और गेम के गेम प्ले वीडियो में, यार ऐसे बोलना था सॉरी। तो तब तक के लिए करो इंतज़ार उसका, और FS19 वाला खुश हो जाओ, कनाडियन प्रोडक्शन देखो और मजे लो। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं जल्दी जल्दी।